ओके okay, नाओ अब बताइए हाँ जी अब मुझे लगता है आ रही होगी यस yes, नाउ आ गई अब आ गई यस नाउ इट्स फाइन सो फाइनली आप मुझे बस बता दिया करो यार आई एम नाउ हाफ ऑफ द इंजीनियर मैं टीचर के साथ साथ थोड़ी सी कंप्यूटर में जो ये जो स्ट्रीम से रिलेटेड इंजीनियरिंग है वो मैंने कर ली है ठीक है यस yes. So finally, we are live once again. Welcome. Good afternoon. एंड आज फाइनली वो शुभ मुहूर्त आ गया जिस दिन हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट करेंगे हमारा पुश होता जा रहा था पुश होता जा रहा था पिछले वाले टॉपिक्स हमने बहुत डिटेल में कर लिए बट कोई बात नहीं आज फाइनली हम हार्ट का स्ट्रक्चर करेंगे एंड साथ ही में वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कार्डियक साइकिल जो बच्चे मुझे नहीं जानते माई नेम इज सी पाउजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट बट आप मेरे सेशन एवरी डे देख सकते हो टाइमिंग्स आपको पता ही है दैट इज गोइंग टू बी थ्री पी एम फॉर क्लास इलेवेंथ टॉपिक फाइव थर्टी पी एम फॉर क्लास ट्वेल्थ टॉपिक एंड सेवन पी एम फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस है ना आज भी सात बजे क्लास है इसी चैप्टर की और रिप्रोडक्शन की प्रैक्टिस होगी सेवन पी एम वाली क्लास मैंने पिन कर दी है तो डेफिनेटली उसमें जाकर एनरोल कर लीजिए साथ ही में बेटा स्पेशल और यूट्यूब के अलावा स्पेशल क्लास पिन है यूट्यूब क्लास तुम तो अटेंड कर रहे हो अब प्लस क्लास कैसे दिखेगी देखिए प्लस में सबसे पहले आपको क्या बेनिफिट मिलता है ओवर यूट्यूब कि वहाँ पर एक रेगुलर स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स होता है स्ट्रक्चर यानी कि आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा कि हाँ इस महीने में इस टीचर ने ये ये कराना है हर बैच में आपको स्केड्यूल मिलता है उस बैच में जो क्लासेस होंगी उस सबके नोट्स मिलेंगे उन सबकी डी पी पीज मिलेंगे उनके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आपके उनका प्रॉपर एनालिसिस होगा और अगर आप प्लस के साथ साथ आइकॉनिक के छात्र हैं तो आपको उन <coughs> नोट्स uh, का हार्ड कॉपी भी मिलेगा साथ ही में बेटा आपको वन टू वन में नहीं। me, जो भी आप फेस कर रहे हैं या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है कुछ भी आप जाकर पूछ सकते हैं और अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि आज क्या है टेंथ ये कल ही मैंने बताया था बेटा टेंथ से आएगी सेवनटीन तक आपका चल रहा है स्पेशल वीक ठीक है इस स्पेशल वीक में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ टेन परसेंट नहीं बेटा टेन प्लस टेन परसेंट आपको ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज सीप्लाई देखिए पहले आया था एक बार ये ऑफर ठीक है बहुत बच्चों ने इसको अवेल किया नाउ दे आर रियली वेरी हैप्पी क्योंकि एक बार ये आप प्लस और आइकॉनिक में आ जाते हैं आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती <coughs> उ इट इज बैक फॉर फ्यू डेज एंड प्रोबेबलीस इज द लास्ट टाइम अब इसके बाद यार, क्या लोगे मुझे समझ नहीं लोगे तो कब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा हो ही नहीं सकता है ना फिर तो क्रैश कोर्स का टाइम हो गया अभी भी आपके पास टाइम है प्रॉपर छह महीने हैं जिसमें आप अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ ठीक है कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं राइट सो लेट एस स्टार्ट विद दिस डबल सर्क्युलेशन एंड कार्डिय साइकल कर ले स्टार्ट है ना किसका कौन मिसिंग हो गया यार किसका केस करा दिया तुमने किसका केस करा दिया है अच्छा जो आप मैम वहाँ पढ़ा रहे हो यहीं पढ़ा दो बेटा मैं सब जगह मैं कोई डिफरेंस नहीं समझती हूँ मेरे लिए हर बच्चा बराबर है मेरे लिए बच्चों ने YouTube से भी इतना अच्छा रैंक निकाला है YouTube हमारी क्लास से भी ऑल इंडिया रैंक यस ऑल इंडिया रैंक 51 निकला है तो मेरे लिए मैं वही कहूँ मैं हर बच्चे को उतनी शिद्दत से पढ़ाती हूँ चाहे वो कोई भी क्लास हो प्लस हो यूट्यूब हो या वो हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि उससे आपकी रेगुलरिटी बनेगी मतलब आपको फायदा होगा उस चीज से अगर आप नहीं भी कर सकते अगर आप इतने मोटिवेटेड हैं कि एवरी डे इस क्लास में बैठ नोट्स बनाते हो स्पेशल क्लास में डाउट्स पूछते हो कोशिश करते रहते हो तो बेटा ये क्लास भी आपके लिए सफिशेंट है लेकिन वो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आती नहीं है ना यूट्यूब क्लास के लिए आज नहीं मन कर रहा सोने का मन कर रहा तीन बजे का वैसे ही टाइम होता खाना अभी हमने खाया है नींद आती है किसको नहीं आती बेटा किसको नहीं आती मुझे भी आती आज मेरा भी मन नहीं था स्टिल आई शोड अप सेम वे इफ यू वांट टू क्रैक नीट विद दिस रैंक दिस टाइप ऑफ रैंक फ्रॉम YouTube तो आपको ये सब चीजें छोड़कर बहुत-बहुत त्याग करना पड़ता है ओके okay, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हार्ट के बाद हम करेंगे डबल सर्कुलेशन एंड देन अपने करेंगे कार्डियक साइकिल तीनों चीजें आज कंप्लीट कर लेंगे तो देख लेते हैं बेटा हाँ जी हार्ट का कल हमने बेसिक्स कर लिया था दैट वी आर मैमल्स हाउ मई चेंट हार्ट वुड बी प्रेजेंट बताओ यार अपने लोग मैमल्स हैं कल हमने फिशेस का हार्ट देखा एम्फेबिय रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स हमने देखा दैट हार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ देंस धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो चेंबर्स भी क्या होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ चेंस इन अवर हार्ट इज यस बेटा हेयर आपको यहाँ पर कितने चेंबर्स का हार्ट दिख रहा है चार चेंस का यहाँ पर हार्ट दिख रहा है ये ऊपर के बेटा दो चेंबर्स तो निकाल के भी दिखा दिया आपको अपर चेम्बर्स एंड देन आपके पास लोअर चेंबर्स प्रेजेंट होंगे हाँ जी तो पहले मैं आपको बेसिक वाला बताती हूँ एक मिनट यार यस, टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ चेंबर्स इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन ठीक है ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट इज फोर चेंबर्ड ठीक है ह्यूमन हार्ट बेटा जी इज फोर चेंबर्ड तो लेट अस ड्रॉ द डब्बे वाला हार्ट पहले हम डब्बे वाले हार्ट से सीखेंगे फिर बेटा हम असली वाला हार्ट देखेंगे ठीक है ओके ह्यूमन हार्ट इज फोर चेंबर्ड डब्बा बना लो अपनी कॉपी में हाउ मेनी फोर बॉक्सेस टू विल बी द अपर बॉक्सेस अपर चेम्बर्स हो जाएंगे दो नीचे वाले चेंबर्स हो जाएंगे हार्ट का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हार्ट को ड्रॉ करने से पहले हार्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले यू शुड मेंशन द साइड्स यहां पर जहां पर आपका राइट हैंड है वहां पर यू विल हैव द लेफ्ट साइड एंड यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी बेटा राइट साइड आ जाएगी अपर चेंबर का क्या नाम है अब आपने दो नाम सुने हुए हैं एक नाम भी नहीं आपने दो नाम सुन रखे हैं एक बेटा आपने सुना होगा ऑरिकल ठीक है सुना है दूसरा बेटा छोटे होते से सुनते आ रहे हैं दैट इज एट्रिया बड़े इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ऑरिकल एंड एट्रिया बट लेट मी टेल यू द डिफरेंस ऑरिकल इज द नेम ऑफ अपर चेंबर से जब आप एक्सटर्नली दोनों को देखते हो बाहर वाले, को बेटा देखते, वाले को बाहर से देखते हो तब आप उसे ऑरिकल बोल सकते हो बट वेन यू सी हार्ट इन अट सेक्शन जब आप इंटरनली देखते हो उसको तब आप उसको ऑरिकल नहीं बोलेंगे तब आप उसको क्या बोलेंगे एट्रिया बोलेंगे क्योंकि जो वर्ड है ना ऑरिकल द वर्ड बेटा ऑरिकल ऑरिकल मीनिंग होता है डॉग्स ईयर डॉग्स ईयर तो जब बाहर से आप लोग अपर चेंबर देखते हो तो ऐसा लगता है यार डॉग के कान है ठीक है लेकिन जब आप वही चीज अंदर से देखते हो तो वैसा नहीं दिखाई देता इंटरनली आप उसे क्या बोलते हैं इंटरनली बेटा क्या बोलते हैं एट्रिया सो एट्रिया इज अ टर्म यूज फॉर द इंटरनल अपियरेंस ठीक है ऑरिकल इज अ टर्म यूज फॉर द एक्सटर्नल अपेरेंस ये चीज याद रहेगी तो यहां पर जो अपने कर रहे हैं दैट इज द इंटरनल अपेयरेंस ऑफ द हार्ट तो मैं अपर चेंस को क्या बोल दूंगी एट्रिया बोल दूंगी यस बेटा क्या बोल देंगे इसको एट्रिया सब बच्चे साथ साथ बोलिए तो ये आपका हो जाएगा राइट एट्रिया दिस वन इज गोइंग टू बी राइट एट्रिया दिस इज गोइंग टू बी राइट वेंट्रिकल दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट एट्रिया दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट वेंट्रिकल अब इस हार्ट ने करना क्या है इस हार्ट ने बेटा ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं करना है ब्लड को क्या करना है पंप करना है यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर भेज देना है कौन सी जगह से लेना है बेटा एक होता है आपका लंग्स देन यू हैव गॉट टिश्यूज एंड बीच में बेटा यू हैव गॉट दिस हार्ट ठीक है सो so यहां पर आपके पास आ जाएंगे लंग्स देन यहां पर बेटा आपकी बॉडी के सारे के सारे टिश्यूज ऑब्वियसली एक्सेप्ट लंग्स एंड बीच में आपका है हार्ट देखो टिश्यूज क्या, क्या कर रहे हैं टिश्यूज दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या कर रहे हैं बेटा टिश्यूज रेस्पिरेशन कर रहे हैं अगर रेस्पिरेशन का रिएक्शन होगा तो कौन सी फाउल गैस बनेगी यस yes. रेस्पिरेशन का बेटा रिएक्शन होगा तो कौन सी फाउल गैस बनेगी गाइस टेल मी नेम द फाउल गैस विच इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन बताइए बता दो बेटा हाँ जी नेम द फाउल गैस प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज सी टू बिल्कुल सही है सी टू तो अगर रेस्पिरेशन के वक्त सी टू निकल रही है सी टू रिमूव किसने करनी है लंग्स ही एक्सपायर करते हैं और कोई तो एक्सपायर नहीं करता ऐसा तो है नहीं बेटा टिश्यूज में से सी टू निकल रही है लेग्स में से बॉडी में से स्किन में से सी टू निकल रही है ऐसा तो नहीं होता अपने में जो सी टू निकालने का काम है वो कौन करेगा लंग्स करेंगे दैट मीन्स सम हाउ यू हैव टू सेंड द सी टू टू द लंग्स ओनली देन दे वुड बी एबल टू रिमूव इट अब डायरेक्टली यू कैन नॉट सेंड इट टू द लंग्स पंप आपको एक मोटर चाहिए बॉडी में जिसके द्वारा ये चीज मूव करेगी ठीक है दूसरी चीज लंग्स ने ऊपर से क्या लिया ऑक्सीजन लिया यू हैव टू सेंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज डायरेक्टली नहीं भेज पाएंगे यू नीड अ पंप इन बिटवीन एंड दैट पंप इज गोइंग टू बी हार्ड यानी कि जो सीओ टू आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रही है सीओ टू वाले जो टिश्यूज आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रहे हैं बेटा सबसे पहले आप उसको किसको भेजोगे हार्ट को ये कैसा ब्लड होगा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होगा डीऑक्सी क्यों बोला बिकॉज़ इट विल हैव CO2 CO2 क्यों है क्योंकि टिश्यूज ने रेस्पिरेशन किया देन इट विल रीच हार्ट हार्ट विल सेंड दिस डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड टू तो लंग्स पंप का काम हो गया इसने इस डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को पंप करके किसको दे दिया लंग्स को दे दिया लंग्स यहां से क्या करेंगे दे विल रिमूव CO2 CO2 निकाल दिया ऑक्सीजन ले लिया ऑक्सीजन ले लिया तो ब्लड यहां पर क्या बन गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल नाउ कम फ्रॉम लंग्स टू हार्ट सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा हार्ट के पास आएगा देन हार्ट विल पंप दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द टिश्यूज ये काम है हार्ट का बच्चे बोलते हैं हार्ट क्या कर रहा है हार्ट ऑक्सीजनेट कर रहा है ब्लड को हार्ट इज नॉट बेटा ऑक्सीजनेटिंग हार्ट इज सिंपली अ काइंड ऑफ काम विच इज सेंडिंग द ब्लड टू वेरियस पार्ट टिश्यूज ने हार्ट को भेजा ताकि हार्ट उसे लंग्स को भेजे लंग्स ने बेटा हार्ट को भेजा ताकि हार्ट उसको टिश्यूज तक भेजे यानी कि देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी ये आपकी बॉडी की राइट साइड है ये आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड है राइट साइड इज मेनली कंसर्न्ड विद द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की बात हो रही है बेटा हार्ट के राइट right साइड में कौन सा ब्लड फ्लो करेगा डी हार्ट के लेफ्ट right, साइड uh, में कौन सा ब्लड फ्लो करेगा बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बेटा सारा चक्कर समझ आया तुम्हें क्या हो रहा है डेडियोगेटेड यानी कि हार्ट इज हैविंग सर्कुलेशन विद द लंग्स आल्सो कहीं ना कहीं बेटा हार्ट लंग्स को भेजता है फिर लंग्स हार्ट को भेजते हैं एक ये सर्कुलेशन है हार्ट इज हैविंग सर्कुलेशन विद द टिश्यूज आल्सो दैट मींस टिश्यूज टिश्य हार्ट को भेजते हैं हार्ट भी टिश्यूज को भेजता है तो कहीं ना कहीं आपकी दो सर्कुलेशन चल रही है एक सर्कुलेशन चल रही है बिटवीन लंग्स एंड हार्ट दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ रहे हो मैं इसका डिटेल भी कराऊंगी कैसे भेज रहे हैं बट अभी के लिए आप समझ पाओगे दैट डेयर इज सम एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स एंड डेयर इज एक्सचेंज ऑफ लंग्स बिटवीन टिश्यूज एंड हार्ट दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन तो दो तरीके की सर्कुलेशन एट द सेम टाइम चलती है वन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन अदर वन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यूज इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन ठीक है यस yes? हाँ जी चलिए अब आते हैं बेटा कि कौन कौन सी वेसल के द्वारा हार्ट में ब्लड आता है कौन कौन सी वेसल के द्वारा हार्ट ब्लड भेजता है दैट मींस देर आर सर्टेन वेसल विच सेंड ब्लड टू हार्ट देर आर सर्टेन टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट वेसल नहीं तो देना है हार्ट भी वैसे एक तरीके का वेसल ही है देखिए जो वेसल सप्लाई करती है सप्लाइंग वेसल टू द हार्ट ठीक है सो द वन विच सप्लाईज टू द हार्ट ये अगेन आपका क्या है दिस इज योर हार्ट ठीक है ऐसे ही समझेंगे एक वेसल वो है बेटा जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को दूसरी वेसल वो है जो यहां से ब्लड दूर लेकर जाती है ठीक है दो टाइप के वेसल्स हो गए द वेसल विच सप्लाईज द ब्लड टू द हार्ट दैट वेसल इज कॉल्ड एज वेन ऐसी वेसल बेटा जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती है उसको आप क्या बोलते हैं वेन बोलते हो एंड द वेसल हार्ट जो हार्ट से दूर ब्लड को लेकर जा रही है दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी ठीक है दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी सो वट इज द डेफिनेशन ऑफ वेन एंड आर्टरी वेन इज द ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड टूवर्ड्स हार्ट टू हार्ट है आर्टरी इज अ ब्लड वेसल विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ठीक है तो आ जाते हैं अपने पिछले डायग्राम पे अगर मुझे इसको ब्लड देना है तो वेन्स देंगे चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द अपर विदर दैट इज राइट एट्रिया राइट साइड से स्टार्ट करते हैं राइट right साइड में कौन सा ब्लड आना था ऑक्सीजनेटेड या डी अभी सिखाया अभी सिखाया बेटा का सिलेबस रंजीत चल रहा है शाम क्लास में बट मैं इसमें भी कराऊंगी बट वो नेक्स्ट ईयर तक टल जाएगा so कौन से टाइप का, का बता दो डी ऑक्सीजनेटेड दैट मीन्स फ्रॉम वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडी राइट एट्रिया इज गोइंग टू रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है सो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अपर पार्ट से आया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट मसल इट सेल्फ तो आएगा, तीन जगह से बेटा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एक तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ रहा है कौन लेकर आ रहा है सुपीरियर वेना केवा. ठीक है? वे लाएंगी कौन सी वेन आएगी सुपीरियर वेना केवा ठीक है सुपीरियर वेना केवा यस बेटा अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया राइट right एट्रिया तक सुपीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से बात करें लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल सेंड बॉडीजनेटेड ब्लड वाया इनफीरियर वेना केवा ठीक है कैसे भेजेगा भेजेगा बेटा वाया इन्फीरियर वेना केवा ठीक है ये बात समझ आई अब मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाई है दिस डॉट इज समथिंग बताओ दिस डॉट इज ब्रिंगिंग द ब्लड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इट सेल्फ आप जानते हैं यार हार्ट भी तो पंप कर रहा है कॉन्टिन्यूसली इट इज पंपिंग इट रिक्वायर्स एनर्जी मसलिंग इफ मसल्स आर वर्किंग मसल में से भी तो सी ओ टू बनेगा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल तो वो भी तो सी ओ टू वाला ब्लड भेजेंगे हार्ट को भी तो भेजेंगे और किस को भेजेंगे वो किस वेसल के द्वारा भेजते हैं वायाबेटा कॉरे इज कॉल्ड एज दिस इज बेटा जी कॉल्ड एज कॉर साइनस ठीक है ठीक तो राइट right एट्रिया के अंदर हर जगह से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना केव से आया इन वेना केव से आया एंड कार्डिय मसल से भी आया वाया कॉर साइनस ठीक है राइट right एंट्रिया ने इस ब्लड को भेज दिया राइट वेंट्रिकल को ठीक है किसको भेज दिया राइट वेंट्रिकल को लेकिन रस्ते में एट्रिया और वेंट्रिकल के रस्ते में बेटा एक गेट बना हुआ था क्या बना हुआ था एट्रिया और वेंट्रिकल के रस्ते में एट्रिया और वेंट्रिकल के रस्ते में बेटा बना हुआ है एक गेट एंड दैट गेट इज कोल्ड एज्व क्या बोलते हैं बेटा इसको वॉल्व बोलते हैं देयर इज अ गेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां से ब्लड नीचे जाएगा दिस इज कोल्ड एज अ वॉल्व और एट्री और वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व क्या कहलाता है एवी वॉल्व एट्री और वेंट्रिकुलर वॉल्व और सिंपली एवी वॉल्व दिस वॉल्व हैज गॉट थ्री कस्प कितने कस्प है बेटा इसके पास थ्री कस्प इसीलिए इस वॉल्व का क्या नाम है दिस इज कोल्ड एज ट्राई कस्पेड वॉल्व ठीक है दिस इज कॉल्ड अस ट्राई कस्पिड वाल्व देन ट्राई कस्पिड वाल्व को ब्लड क्रॉस करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रॉस करके कहां पर आएगा राइट right वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल विल सेंड दिस ब्लड टू देखो विल सेंड दिस ब्लड टू योर लंग्स आप ये पढ़ चुके हैं कि राइट right वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसके पास जाएगा आपकी लंग्स के पास अब कोई तो वेसल लेकर जाएगी ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है दूर जाने के लिए कौन लेकर जाएगा देअर इज गोइंग टू बी एन आर्टरी उस आर्टरी का क्या नाम है पल्मोनरी आर्टरी दैट आर्टरी इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी समझे राइट right साइड आपको क्लियर इसने डी ब्लड रिसीव किया एवी वॉल्व के थ्रू वेंट्रिकल को भेजा वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स लंग्स क्या करेंगे लंग्स विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन ठीक है लंग्स विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेशन एंड दे विल सेंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल कौन लेकर आएगा हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कौन लेकर आएगा अ वेन कौन लेकर आएगा बेटा पल्मोनरी वेन ठीक है एक लंग से दो आती है तो टोटल चार हो गई दो पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन दे विल कम टू द लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वाया अनदर एवी वॉल्व विच हैज़ गॉट टू कास्प इसी वजह से इसको बोलेंगे बाई कस्पिड एवी बॉल किसके पास भेज देंगे बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगा वाया लार्जेस्ट आर्टरी, टू ऑल दिशे ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स दैट इज वाया आयोटा दे विल सेंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल दार्ट ऑफ द बॉडी यस हां जी बताइए फ्लो क्लियर हुआ फ्लो ऑफ ब्लड क्लियर हुआ चेंबर्स क्लियर हुए अभी मैं एक एक चेंबर आपको दोबारा बताऊंगी डोंट वरी आई विल टेल अबाउट ईच एंड एवरी चेंबर टू यू ठीक है फ्लो क्लियर हो गया एक बार यार सेशन को लाइक करके अपनी फेवरेट इमोजी भेज के बता दो मुझे सिंप्लीफाइड फ्लो देखना है तो इस डायग्राम को देख लेना किस वेसल से आ रहा है कि टिश्यूज किस वेसल से भेज रहे हैं ये किस वेसल से भेज रहा है किस वेसल से आ रहा है जा रहा है तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं ठीक है हाँ जी ठीक है ओके जी तो ये बात होगी बेटा फ्लो की वेसल्स की मेनली मैंने यहां पर आपको इसीलिए ये सब बताया है ताकि आप वेसल समझ पाए विल टॉक अबाउट ईच इट्री एंड ईच वेंट्रिकल सेपरेटली कि कौन रिसीविंग चेंबर्स है रिसीविंग चेंबर एट्रियाज रिसीविंग चेंबर और वेंट्रिकल इज अ रिसीविंग चेंबर एक रिसीविंग चेंबर होता है एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर होता है इनमें से रिसीविंग चेंबर कौन लग रहा है आपको ये कौन बताइए बेटा विच वन इज अ रिसीविंग चेंबर एट्री और वेंट्रिकल रिसीविंग चेंबर कम ऑन कम ऑन फटाफट से बताओ यार रिसीविंग चेंबर इतना समय लग रहा है कौन ब्लड को रिसीव कर रहा है कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हां जी रिसीविंग चेंबर्स दे आर गोइंग टू बी द एट्रिया एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स कौन से हो जाएंगे आपके वेन ट्रिक सो लेटस टॉक अबाउट द रिसी चेंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए टर्म यूज की हुई है ऑरिकल ऑरिकल यूज करेंगे आउटर अपियरेंस के लिए एंड देन टर्म यूज किया एट्रिया एट्रिया यूज करेंगे हम इंटरनल अप्योरेंस के लिए तो अभी आपको यहां पर पहले मैं लिख देती हूं अबाउट द रिसीविंग चेंबर्स हां जी रिसीविंग चेंबर्स दे आर एट्रिया ठीक है एट्रिया दो एट्रिया होंगे अभी आपने देख लिया है फ्लो तो आप लोग हेल्प करिए हां जी इस साइड पे कौन सा है राइट right एट्रिया लिखते जाओ राइट right एट्रिया इस साइड पे कौन सा है बेटा लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया ठीक है लेफ्ट एट्रिया कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है इट विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है टिश्यूज ये कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है लंग्स देख चुके हैं आप सब कुछ उस डायग्राम में से ही लिख रही हूँ मैं कुछ अपने से नहीं लिख रही हूँ सो राइट एट्रिया में कहा से ब्लड आया राइट right एट्रिया में बेटा अपर पार्ट से आया अपर पार्ट से कौन लेकर आया ब्लड एक वेन विच इज कॉल्ड लैस सुपीरियर वेना कैवा ठीक है देन राइट एट्रियम में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कौन लेकर आया इंफीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में कार्डियक मसल से भी ब्लड आया ठीक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कौन लेकर आया कोरोनरी साइनस ठीक है तो यहां यहां से आपका ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा वेनाकेवा वेना केवा एंड कॉरनरी साइनस क्लियर हां जी अब जब ब्लड आ रहा है Atria कर रहे है। there are high यार ब्लड ऊपर वापस चला जाए, तो जाए। यहाँ ब्लड आया एंड देर कुड़ भी चांस वापस चला जाए उस चीज को अवॉइड करने के लिए बैक फ्लो को अवॉइड करने के लिए दीज बेसल्स मोडिफिकेशन कि कहीं गलती से ब्लड वापस सुपीरियर में ना चला जाए कहीं गलती से बेटा इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ना चला जाए इसीलिए बेटा यहाँ पर कुछ लगे हुए हैं वॉल्स या फिर ओपनिंग में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन है अगर मैं बात करूँ सुपीरियर वेना केवा की देन सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग ही है ना वो क्या है ओब्लिक ओपनिंग है इट हैज गॉट ओब्लिक ओपनिंग ठीक है ओब्लिक ओपनिंग की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड बेटा यहां एंट्री लिया है उसकी ओपनिंग फिर ऐसे क्लोज हो जाएगी वो वापस नहीं जा सकता ओब्लिक ऐसे डायगनल ओपनिंग है ठीक है ओके टॉकिंग अबाउट इन्फीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा बेटा नीचे से ब्लड ला रही है इस वो मैं आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये आउटर अपेयरेंस है इन्फीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड ला रही है एंटी ग्रेविटी ला रही है यहाँ तो वापस जा सकता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इसके पास वॉल्व है दैट इज कॉल्ड एज यूस्टेचियन वॉल्व कौन सा वॉल्व है यूस्टेचियन वॉल्व ठीक है बची कौन सी आपकी कॉरेनरी साइनस कॉरेनरी साइनस में भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव अ वॉल्व विच इज कॉल्ड एज थिबेसियन वॉल्व तो ये आपको पता होना चाहिए कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या है सुपीरियर के पास ओपनिंग है, कोई वॉल्व नहीं है इनफीरियर के पास वॉल्व है साइनस के पास है। बात करते हैं बेटा लेफ्ट एट्रिया की लेफ्ट एट्रिया ने कैसा ब्लड रिसीव किया था लेफ्ट एट्रिया ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया कहाँ से ब्लड रिसीव किया बेटा पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी वेन से यार पल्मोनरी वेन पे भी तो बैक फ्लो हो सकता है कैसे प्रिवेंट करोगे इसका बैक फ्लो कैसे प्रिवेंट करोगे इसकी भी ओपनिंग कैसी है ओपलिक ओपनिंग इसीलिए इसमें बैक फ्लो होता ही नहीं है हो ही नहीं सकता यार या तो लीक ओपनिंग कर दो ऐसी सी ओपनिंग कर दो कि वापस ना जा पाए या फिर वॉल्व लगा दो तो आपने रिसीविंग चेंबर्स जो थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो वेसल आ रही है जो वेन्स आ रही है उसमें बैक फ्लो किस तरीके से प्रिवेंट होता है ठीक है तो एट्रिया डन यहां पर एट्रिया की बात आपको क्लियर आ गई कि एट्रिया ने क्या किया रिसीव कर लिया वाया दीज वेन्स बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की यस yes. दिस वन यू विल सी योवर हेयर कि किस तरीके से एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड कहां पर जा रहा है वेंट्रिकल्स में जा रहा है एंड दिस इज हाउ यू नो सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा इस डायग्राम में आप देखेंगे कि कहां सुपीरियर है दिस इज इंफीरियर ऊपर वाली क्या होगी आपकी सुपीरियर यस yes? हां जी बेटा यू डू गेट नोट्स एन प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक वालों को मिलते हैं प्लस वाले ऐप में नोट्स देख सकते हैं लेकिन आइकॉनिक वाले ऐप में भी देख सकते हैं डी लेकिन उनको एक बुक में मिलता है हार्ड कॉपी भी मिलता है सो इट डिपेंड्स बेटा यू आर प्लस और आइकॉनिक ठीक है आइकॉनिक का नाम आइकॉनिक ऐसे ही नहीं रखा यार तुम्हें लगता है कि ऐसे ही नाम रख लेते होंगे कुछ सोचते ही नहीं होंगे ऐसा नहीं है बेटा पूरा सोच समझ के नाम रखे हैं। ओके okay, कहा पहुंच गए अपने लेटमी जस्ट गो बैक हांजी ओके okay, अब बात कर ले नीचे वाले चैम्बर की ब्लड बेटा एवी वॉल को क्रॉस करके नीचे आ गया नीचे कहाँ पर आया आपके रिसीविंग चेंबर्स पर है ना जो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो नेक्स्ट चेंबर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स हाँ जी कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स आपके दो चेंबर्स हैं दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स ठीक है सो दो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स ये ब्लड को आगे भेजते हैं ठीक है दो वेंट्रिकल्स मैंने आपको बताए एक है आपका राइट वेंट्रिकल है ना राइट वेंट्रिकल दूसरा लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको भेजेगा बेटा राइट वेंट्रिकल ब्लड भेजेंगे आपकी पल्मोनरी आर्टरी को यहां पे देखते जाओ राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू गिव ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड देन टू द लंग्स ठीक है सो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड दिया एक आर्टरी को दैट इज पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड हो गया बेटा ये एक अकेली आर्टरी है जिसके पास कैसा ब्लड होता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ठीक है और बात करें बेटा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू गिव ब्लड टू द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट इज आयोटा जो कि पूरे सारे के सारे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करेगी एंड दैट इज टाइप ऑफ ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है तो आपको पता चल गया रिसीविंग चेम्बर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स अच्छा यार सोच के बताओ इन चारों चेंबर्स में सोच के बताओ सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है हु इज डूइंग मैक्सिमम वर्क देखो इन चेंबर्स का काम क्या कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो ब्लड भेजेंगे कौन सबसे ज्यादा दूर ब्लड भेज रहा है सिंपल कर दिया मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए हु इज डूइंग मैक्सिमम वर्क सबसे ज्यादा लोड किस पे है किस पे लोड है चारों में से एक का नाम बताना है. सबसे ज्यादा लोड किस पे है ये देख लो यार ये काम कर रहे हैं दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड देते हैं वेंट्रिकल्स को देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड देते हैं आर्टरीज को हु इज डूइंग मैक्सिमम वर्क यस बेटा मैक्सिमम वर्क इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द वेंट्रिकल्स एट्रिया और वेंट्रिकल में देखा जाए तो मैक्सिमम वर्क कौन करता है बेटा आपके वेंट्रिकल्स करते हैं लेकिन वेंट्रिकल्स में भी कौन सा वेंट्रिकल अब खुद समझ लो ये आपके लंग्स है हाँ जी यहाँ क्या थी आपकी लंग्स थी ठीक है छोटा सा बनाऊंगी दिस इज योर लेफ्ट लंग नॉच एंड दिस इज योर राइट लंग ठीक है ये कहीं आपका हार्ट प्रेजेंट है ठीक अब एट्रिया ने क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट हो गए बेटा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल में तो भेज रहा है कितना नजदीक भेज रहा है तो ज्यादा कोई काम नहीं है दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड कहाँ भेज रहा है राइट वेंट्रिकल की बात करें तो इट इज सेंडिंग ब्लड टू लंग्स अब लंग्स कितनी दूर है लंग्स तो बेटा इतने नजदीक है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड किसको भेजना है लंग्स को भेजना है तो बड़े नेड़े है बहुत नजदीक है कोई फर्क नहीं पड़ता बट इफ आई लुक एट द एफर्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहा टिश्यूज एक्सेप्ट लंग्स यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर सबसे ज्यादा लोड है क्योंकि इसने पूरी बॉडी को आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना है तो मैक्सिमम वर्कलोड इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम लोड मैक्सिमम वर्क लोड किस पे आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ गया है दैट इज वाई द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी थिकेस्ट इसकी जो वॉल है वो कैसी होगी थिकेस्ट वॉल अच्छा अब वॉल की बात आ गई अब वॉल में तो कल मैंने तीन चीजें बताई थी पेरिकार्डियम था मायोकार्डियम था एंडोकार्डियम था विच पार्ट ऑफ द वॉल वुड बी थिक दो पार्ट कॉन्स्टेंट थे एक ही वेरी कर सकता है एक ही वेरी कर सकता है बेटा विच पार्ट ऑफ द वॉल इज गोइंग टू बी थिक ओवर हेयर हाँ जी बताइए कितनी बात करोगे यार कितनी बात करोगे मुझे तो ये नहीं समझ आता बच्चे मतलब मेरी क्लास में ये क्या चैटिंग चैट बॉक्स है चैट विंडो है हैं हैं दिस इज विंडो टू टॉक टू मी नॉट टू टॉक अमंग योर सेल्फ हाँ जी कौन कौन से में वाली वॉल इसकी सबसे सबसे होगी? इसका जो है ना वो होगा, बेटा क्योंकि वही तो तो कराएगा, और कोई तो contract करा ही नहीं सकता। uh, चेंबर्स ठीक तो ये बात हो गई आपके चेंबर्स की अब बात कर लेते हैं आपके वॉल्व की कैन यू सी बेटा दीज वॉल्व जहां से ब्लड नीचे आ रहा है इतनी बढ़िया डिपेक्शन है थ्री में आप ये सब देख रहे हो थ्री में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड कहाँ आता है वेंट्रिकल्स में आता है सो टॉकिंग अबाउट दीज वॉल्व विच आर कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपने एवी वॉल्व अब एवी वॉल्व बेटा वो दरवाजा है जिसकी हेल्प से ब्लड विल एंटर इनटू द वेंट्रिकल्स ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं दैट इफ़ यू वांट टू सेंड ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल तो उसको वॉल्व क्रॉस करके जाना पड़ेगा दोनों साइड पे है राइट right साइड पे भी है लेफ्ट साइड पे भी है अब कौन कौन से आपके एवी वॉल्व्स है टॉकिंग अबाउट वेरियस साइड्स देखिए ये प्रेजेंट होगा राइट right साइड में भी लेफ्ट साइड में भी राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में राइट की बात करें द वॉल्व इज कॉल्ड एज अ ट्राई कस पेड वॉल्व ठीक है ट्राई यानी कि, ट्राई यानी कि बेटा तीन कस्प प्रेजेंट होंगे लेफ्ट की बात करें सो द वॉल्व इज कॉल्ड एज बाई कस पेड वॉल्व ठीक है बाय कस्पेड वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व ठीक है हां जी तो ये दो आपके एवी वॉल्व हैं जिससे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन होता है तभी तो ब्लड जाएगा अदरवाइज तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा सो यू विल सी ओवर हेयर दिस इज हाउ द ब्लड इज फ्लोइंग नाउ पे अटेंशन गाइज ये जो बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वॉल्व है यहां से कुछ धागे धागे निकल रहे हैं डू यू सी दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हां जी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यानी कि अगर ये आपकी वेंट्रिकल की वॉल है फ दिस इज योर वेंट्रिकल वॉल इसके ऊपर थोड़े से uh, पहाड़ की तरह कॉलम ने कारने इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा कुछ मसल आर एज पैपुल मसल्स डीज आर पैपुलरी मसल्स और ऊपर क्या प्रेजेंट है डीज आर दॉल्व ये ऊपर क्या है वॉल्व तो वॉल्व से बेटा कुछ धागे की तरह निकलता है जो इन पैपुलरी मसल्स के साथ जाकर कनेक्ट हो जाता है ये पेयर टेंशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो धागे कैन यू सी हां जी बताइए नो yes no? दिख रहे हैं डू यू सी दिस कॉड लाइक स्ट्रक्चर विच आर अटैचिंग दी वॉल्व ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है दिस इज एवी वॉल्व एंड नीचे जो आपको दिखाया है ब्लू कलर से दीज आर कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स पैपिलरी मसल्स जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर प्रेजेंट है और उसकी वॉल इस तरीके से पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर बना रही है विच इज कॉल्ड एज कॉल्यूम ने कार ने अब तुम बोलोगे मैम ये सब चीजें कहाँ है किधर है एनसीआर में नहीं है एक्स्ट्रा करनी है फिजियोलॉजी इज द पार्ट जिसमें आपको एक्स्ट्रा आना चाहिए पास्ट ईयर में पूछा जाता है और एनसीआर को समझने के लिए करना पड़ता है और यार हार्ट के बारे में मैं चार चीजें एक्स्ट्रा ही बता दूंगी तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा मेनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू बिकम कार्डियक सर्जन और नॉट कार्डियोलॉजिस्ट बनने के नहीं बनना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एम बी बी एस में थोड़ा सा रॉब मार लोगे यार जब फर्स्ट में जाएंगे वहां टीचर बोल रही हैं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स बोल रहे हैं यू विल फील लाइक यार ये तो मैम मैम ने कराया हुआ ये तो मुझे आता है तो थोड़ा सा यू you नो know, अच्छा फील होगा यस हाँ जी चलिए तो कॉल्यूम ने कारने के ऊपर क्या है पैपिलरी मसल मसल के साथ क्या है ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एवी को बांध के रखते हैं दीज आर कॉल्ड एज टेंडिने दीज आर कॉल्ड एज कॉडे टेंडिने ठीक है कॉर्डे टेंडिने डीज आर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो एवी वॉल्व को कनेक्ट करके रखते हैं वेंट्रिकल की वॉल से क्यों लगाना पड़ रहा है वॉल you know, uh, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि यार जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ऐसा ना हो कि एवी वॉल्व उल्टी दिशा में खुल जाए कि सारा ब्लड बेटा ऊपर चला जाए यहाँ समझिए कि वी वांट कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो ब्लड आर्टरीज में ही जाना चाहिए पल्मोनरी आर्ट्री और अयोटा में ही जाना चाहिए बट अगर ये एवी वॉल्व उल्टी दिशा में खुल जाएंगे तो इसके कॉन्ट्रैक्शन पे ब्लड विल गो बैक टू एट्रिया दिस वी डोंट वांट वी डोंट वांट कि ब्लड एट्रिया में जाए इसीलिए हमने इन एवी वी वॉल्व को एवी वॉल्व को बेटा कनेक्ट कर दिया है एवी वॉल को बेटा कनेक्ट कर दिया है विद द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल पैपिलरी मसल्स के साथ कि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो एवी वॉल ऊपर की दिशा में उल्टी दिशा में ना खुले एंड ब्लड विल फ्लो टू द रिस्पेक्टिव आर्टरीज ओनली ये पर्पज है हमारे कॉडे टेंडेने का दीज आर देंडेने आप थ्री में भी देख रहे हैं यस yes, नजर आ रहा है चलिए बढ़िया है तो कॉर्डे की बात हो गई है ओके okay, आगे बढ़ जाए यार हाँ जी यहां पे आप देख सकते हो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कैसे आ रहा है बाइक स्पीड वॉल को क्रॉस किया राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया देन लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा उसको किसके पास भेज देंगे आयोटा के पास भेज देंगे अपनी कॉन्ट्रैक्शन के बाद सो यू कैन सी हाउ ब्लड एक्चुअली ट्रांसफर ट्रेवल्स इन द बॉडी हाँ जी डन अब बात करते हैं यार आर्टरीज के बारे में द आर्टरीज विच लीव द हार्ट कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो हार्ट को लीव करते हैं सो टॉकिंग अबाउट द आर्टरीज विच लीव द हार्ट हां जी अगर बात करें आपकी राइट साइड पे देन द आर्टरी इज गोइंग टू बी पल्मोनरी आर्टरी है ना कौन सी आर्टरी है बेटा राइट साइड पे राइट right साइड पे आपके पास है पल्मोनरी आर्टरी है है, है है ना ना कि नहीं बेटा है कि नहीं अब पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लड लेकर जा रही होती है लंग्स की तरफ ये देखो बेटा लेकर जा रही है लंग्स की तरफ यहां भी तो ब्लड वापस आ सकता है वापिस गिर गया ट्यूब ही तो है ट्यूब में से ऊपर ब्लड जा रहा था नीचे गिर गया वापस आने के चांसेस है यहाँ पर भी बेटा अगर हल्का सा भी वेंट्रिकल का प्रेशर डाउन हुआ ब्लड कैन कम बैक जब तक तो, तो यार वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्टेड है तो ब्लड ऊपर ही जाएगा अगर वेंट्रिकल का प्रेशर थोड़ा सा भी डाउन हुआ ब्लड वापस आ सकता है तो यहाँ भी तो बेटा ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करोगे लीकेज को प्रिवेंट करोगे बैक फ्लो को प्रिवेंट करोगे सो देअर ओपनिंग ऑल्सो हैज गॉट वॉल्व इनकी ओपनिंग में भी क्या प्रेजेंट है बेटा वॉल्व प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज सेमी ओपनिंग यानी कि जहां से ये स्टार्ट हो रही है, इस जगह पर यस दिस इज द पोजिशनिंग ऑफ द सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व इस जगह पर दिस इज द पोजिशनिंग ऑफ द सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व जिससे ब्लड रिस्पेक्टिव आर्टरीज में फॉरवर्ड ही जाएगा बैकवर्ड्स नहीं आएगा एंड इस सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व के पास भी क्या है थ्री कस्प प्रेजेंट है ठीक चलिए लेट मी शो यू द वॉल्व थोड़ा सा बेटा अच्छे से वॉल्व देखिए यहां पर हाँ जी दिस इज हावर लुक्स लाइक दिख रहा है बाइक स्पिड वॉल्व दो कस्बे दरवाजे की तरह बेटा ये दो कस्प ऐसे खुल जाते हैं दिस इज द्लेसमेंट एक बार यार देख के अप्रिशिएट कर दो इस डायग्राम को कितना बढ़िया डायग्राम है जिसमें आपको बाइक स्पिड वॉल्व दिख रहा है ये प्लीज पे अटेंशन लुक एट दिस ब्यूटिफुल वॉल्व कैसे बाइकस्पिड वाल्व में एंड हाउ डज इट ओपन टू कस्प्स आर देयर एंड दिस इज हाउ द ब्लड विल फ्लो कस्प यानी कि यार मतलब गेट एक तरीके के गेट ले सकते हो इसी तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वाल्व है ना यहाँ पर बेटा क्या होगा ट्राइकस्पिड वाल्व ओके ओके यस सो दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व यहां पर इसी तरीके से क्या मिल जाएगा आपको

द सेप्टा विच सेपरेट द वेंट्रिकल ये जो बीच में लाइन आ रही है जो वेंट्रिकल को सेपरेट करती है दिस इज कॉल्ड एस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ठीक है हाँ जी इंटरट्रियल सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम अब जन्म से पहले की बात है मतलब जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पर ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ना इसमें छेद था ओपनिंग yes, कैसे ओपनिंग थी हां जी इधर आ जाइये मान लीजिए यह है आपका एट्रिया डब्बे वाला हार्ट यह आपके वेंट्रिकल बर्थ से पहले बता रही हूं मेडम बर्थ से पहले जो इंटर एट्रियल सेप्टम था ना वो पूरा नहीं बना हुआ था बीच में क्या थी इस तरीके से ओपनिंग थी अपॉर्चर था छेद था दिस अपॉर्चर अलाउट

डोंट वरी ऐसा मत सोचना कि अभी भी छेद है अभी कोई छेद नहीं है नथिंग क्योंकि ये चीज प्रेजेंट थी बिफोर बर्थ दिस वॉज प्रेजेंट देर बिफोर बर्थ लेकिन आफ्टर बर्थ क्या हुआ देखो आफ्टर बर्थ आपके लंग्स फंक्शनल हो गए ठीक है लंग्स आर कंप्लीटली फंक्शनल तो आफ्टर बर्थ ही जो ओपनिंग है क्लोज हो जाती है यस दिस ओपनिंग एक्चुअली क्लोजेज यहाँ पर एक डिप्रेशन साज फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्रेशन इन दिस एरिया एंड डिप्रेशन इज कोल्ड एज फोसा ओवैलिस हाँ जी आफ्टर बर्थ बेटा यहाँ पर क्या बन गया फोसा ओवैलिस विच इज अ काइंड ऑफ डिप्रेशन क्लियर हुआ हाँ जी बेटा, उस opening का क्या नाम है ovale. और birth के बाद, बेटा, उस में ना क्लोज हो जाती है पर एक एक सा सा बच जाता है, एक depression सा बच जाता जाता है, है, जिसको तुम क्या बोलते हो? तो ये question भी आपको आना चाहिए यही यहाँ पर आपको दिखाया है कि बिफोर बर्थ आर सर्टेन वेज बाई विच द ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा दे आर कनेक्टेड ठीक है ये जो कनेक्शन दिखाया है ये पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में दिखाया उसके बीच में भी होता है और राइट right एट्रिया और राइट right वेंट्रिकल के बीच में भी देयर इज एन एम्ब्रियोनिक शंट्स इनको आप क्या बोलते हो एम्ब्रियोनिक शंट्स एम्ब्रियोनिक शंट्स ठीक है एम्ब्रियोनिक शंट्स कहां कहां प्रेजेंट है वन बिटवीन राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया सेकेंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी आर्ट्री जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्ट्री एंड आयोटा इसके बीच में आपको एम्ब्रियोनिक यहां पे दिख रहा है यू कैन सी द शंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा कि बर्थ से पहले बेटा देर वॉज ट्रेवल ऑफ ब्लड फ्रॉम पलमोनरी बट बर्थ के बाद बेटा ये क्या हो जाता है कम्पलीटली सेपरेट हो जाता है यहाँ पर इट इज डॉक्टर आर्टिओस एंड लिगामेंटम आर्टिर ठीक है हाँ जी ठीक ये मैंने आयोटा के वॉल्व लिखवा तो दिए बेटा दीज आर दॉल्व ये रहा हाँ जी कहाँ लिखवाया था लेटमी गोवा का कौन पूछ रहा है आयोटा के वॉल्व बेटा यही वॉल्व है सेमी ल्यूनर वॉल्व है इसी को यहाँ पर तुम पल्मोनरी वॉल्व बोल लोगे इसी को एयोटिक वॉल्व बोल लोगे एक ही बात है वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी ल्यूनर वॉल्व ओनली ठीक है हाँ जी तो ये बात हो गई आपकी आर्टरीज की लेफ्ट आर्टरी एंड राइट आर्टरी ओके सो विद दिस आई गेस वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये देख लो आपने बताया था सबसे थिक वॉल किसकी होगी थिक्केस्ट वॉल यहाँ पर प्रूव है बेटा उसकी जो सबसे ज्यादा काम, काम करने वाला कौन है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है सबसे ज्यादा काम करने वाला बेटा कौन है लेफ्ट वेंट्रिकल है सो यू विल सी दैट द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज क्वाइट थिक एज कंपेयर टू द राइट right वेंट्रिकल क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा लोड है इसने पूरी बॉडी को ब्लड भेजना है बेटा राइट वेंट्रिकल ने तो ब्लड किसको भेजना है लंग्स को लंग्स बहुत नजदीक हैं लेकिन इसने ब्लड भेजना है पूरी की पूरी बॉडी को बॉडी बहुत दूर दूर भी सेल्स है यहाँ पर सो इट इज गोइंग टू हैव थिकेस्ट माओ कार्डियम थिकेस्ट मायो कार्डियम ठीक है हाँ जी तो यहां पर आप और अच्छे तरीके से वॉल्व देख सकते हो कैन यू सी द कस्प इट वॉल्व तीन कस्प वाला ये yes. इन्हीं वॉल्व में बेटा देयर कुड बी सर्टेन प्रॉब्लम्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हो सकता है अच्छे से वॉल्व क्लोज ना हो वॉल्व में लीकेज आ रही हो तो हमें सर्जरी करानी पड़ सकती है वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ सकती है डॉक्टर को पता कैसे चलता है कि वॉल्व में लीकेज है दे यूज़ दिस स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप में वो हार्ट साउंड सुनने की कोशिश करते हैं और जब वो हार्ट साउंड सुनते हैं तभी उनको पता चलता है दैट देयर इज समथिंग एबनॉर्मैलिटी और नॉट क्योंकि उस उनको एक्स्ट्रा साउंड सुनाई देती है हार्ट मरमर्स करके सुनाई देते हैं तो वॉल्व में सब कुछ ठीक है या नहीं है ये यूजली डायग्नोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेटा योर साउंड ठीक है हाँ जी ओके सो दिस इज अबाउट द फ्लो ऑफ ब्लड हां जी फ्लो ऑफ ब्लड देख लो नंबर्स के अकॉर्डिंग देखिए बेटा सबसे पहले डिऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके पास राइट right एट्रिया के पास मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ सबसे पहले बेटा ब्लड किसके पास आया बताते जाओ राइट right एट्रिया के पास आया राइट एट्रिया ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेज दिया राइट वेंट्रिकल को भेज दिया एज यू कैन सी हर राइट वेंट्रिकल को भेज दिया राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देंगे पल्मोनरी आर्टरी को दे देंगे ठीक है दे विल गिव दिस ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी बेटा इस ब्लड को ले जाएगी ये देखो बेटा जा रही है पीछे से जा रही है कहां चली जाएगी लंग्स के पास चली जाएगी ठीक है पल्मोनरी आर्टरी ने बेटा इस ब्लड को दे दिया लंग्स को लंग्स बेटा इस ब्लड को क्या कर देंगे ऑक्सीजनेट कर देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के द्वारा कौन लेकर आएगा पल्मोनरी वेन ठीक है पल्मोनरी वेन लेकर आएगी पल्मोनरी वेन किसको दे देगी लेफ्ट एट्रिया को देगी लेफ्ट एट्रिया किसको दे देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स को दे देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज को देगा वाया अयोटा एंड टिश्यूज के द्वारा ये डी ब्लड किसके पास जाएगा बैक टू राइट एट्रिया सो इस तरीके से आपकी बॉडी में पूरी सर्कुलेशन चलती रहती है टिश्यूज ने ने ब्लड बनाया राइट right साइड को दिया लंग्स लंग्स के पास क्या, ने क्या किया लंग्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन दिया उन्होंने लेफ्ट साइड को लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा एंड देन बैक टू टिश्यूज यहां से बेटा कुछ अंदाजा हुआ क्या अंदाजा हुआ देर इज अ अर्क्यूलेन ध्यान दो यार, ये इतनी यार इतनी आग क्यों लगा रहे हो यार इतनी आग क्यों लगा रहे हो फॉरेस्ट फायर हो जाए क्लास फायर हो गया बेटा प्रसाद मिस्टर क्लास फायर हो जाएगी हमारी फायर एक्सटिंग लेके आने पड़ेंगे वो बच्चे लेके नहीं आते फायर फायर ट्रक फायर ट्रक टन 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 उसको लेके आना पड़ेगा बेटा ऐसे आग लगा दोगे क्लास में तो पढ़ाई भी कर लो कि फायर ट्रक चलाना बड़े हो के. क्या है? क्या इच्छा है डॉक्टर बनना है स्टेथोस्कोप यूज करना या फायर ट्रक चलाना है फायर ट्रक चलाना है तो ठीक है लगाते रहो आग फिर खुद बुझाने भी आ जाना ठीक है डॉक्टर बनना है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा है तो जो बच्चे फायर ट्रक चलाना चाहते हैं अच्छा काम है बिल्कुल अच्छा काम है लेकिन मेरे ख्याल से आप यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए आए हैं ये करेक्ट मैं तो आपको यार सिखा नहीं पाऊंगी उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग होती है फायर एक्सटिंग्विशन इज वेरी यू नो इंपॉर्टेंट जॉब जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ट्रेनिंग लेने जाना पड़ेगा बेटा मेरे को भी नहीं आता सीख जाओ तो मुझे भी बता देना है ना यस yes? हाँ जी चलिए आ जाइए तो देयर इज बेटा अ सर्कुलेशन बिटवीन देअर इज अ सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट एंड देयर इज अ सर्कुलेशन बिटवीन टिश्यूज एंड हार्ट जिसको हमने यहाँ नाम दिया पलमुनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन अब अगर मैं आपसे पल्मनरी और सिस्टेमिक का डिटेल पूछूंगी तो क्या बता दोगे हाँ जी देख लेते हैं तुम लोग बता पाते हो नहीं ये स्टार्टिंग विथ पलमनरी सर्कुलेशन देखो बेटा अभी पढ़ोगे नहीं सात बजे वाली प्रैक्टिस क्लास में कुछ हो नहीं पाएगा तुमसे फिर लीडर बोर्ड में नंबर नहीं आता फिर बोलते कि मैम मैंने तो बहुत मेहनत की थी मेरा लीडर बोर्ड में नाम नहीं आ रहा नाम तभी आएगा बेटा अगर आप अभी क्लास में ध्यान से सुन लो मैं तो बच्चों को गारंटी देती हूँ दैट वंस यू अटेंड द क्लास यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रिविजन क्योंकि हम एक ही क्लास में उस चीज को बड़ी बड़ी रिपीट कर लेते हैं ठीक है तो सेवन पी पर देअर इज टेस्ट ऑफ दिस पोर्शन ओनली यही हार्ट के स्ट्रक्चर का टेस्ट है अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो समझ जाना ये घंटा तुम्हारे लिए वेस्ट है तो हर घंटे को इफेक्टिवली यूज करो सात बजे वाली क्लास भी फ्री क्लास है मैंने लिंक पिन कराया हुआ चैट बॉक्स में वहां पर क्लिक करो ऊपर लाइव चैट के ऊपर ठीक है एनरोल कर लो उसमें एनरोल करने को इसीलिए बोल रही हूं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आती है ठीक है तो एनरोल जरूर करना है एनरोल करने के लिए अगर कोड पूछे तो कोड डाल देना सीपलाइ आई विल सी यू एट सेवन पी टुडे ठीक ओके हम बात कर रहे थे किसकी we were talking about pulmonary and systemic circulation starting with the first one that is pulmonary अब आप ही से बेटा क्वेश्चन पूछने हैं मैं नहीं लिखूंगी ये आपको मैं सारा हार्ट और उसका ब्लड फ्लो बता दिया है pulmonary circulation yes guys now you will tell me कैसे हो रहा है pulmonary circulation नाम इसी लिए है क्योंकि ब्लड और हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है तो पहले बेटा मैं यहां पर लिख देती हूं लंग्स लंग्स ने ब्लड भेजा हार्ट को हार्ट ने ब्लड भेजा बैक टू लंग्स ठीक है कैसे हुआ सबसे पहली चीज लंग्स हार्ट को कौन से टाइप का ब्लड दे रहे हैं बताइए विच टाइप ऑफ ब्लड विल स्टार्ट फ्रॉम लंग्स एंड विल मूव टू हार्ट टाइप ऑफ ब्लड बताइए पल्मोनरी सर्कुलेशन बतानी है बेटा जी टाइप ऑफ ब्लड हां जी कौन बताएगा टाइप ऑफ ब्लड यस द टाइप ऑफ ब्लड दैट लंग्स दे आर गोइंग टू सेंड टू हार्ट ंग टू बी हाँ जी ये जो डी ऑक्सी वाले हैं वो तो बच्चे बेटा अपनी सीट के ऊपर ही खड़े हो सकते हैं सीट अपनी सीट पे खड़े नहीं हो ना जो बेंच है जो बेड है उसके ऊपर खड़े हो जाओ तुम लोग ठीक है क्योंकि बिल्कुल गलत है डी ऑक्सीजनेटेड लंग्स विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजनेशन वो हार्ट को कैसा ब्लड भेजेंगे बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेंगे कैसे भेजेंगे वाया पलमोनरी वेन भेजेंगे ठीक है पल्मोनरी वेन भेज देंगे ठीक है देन हार्ट विल ऑल्सो सेंड ब्लड टू लंग्स हार्ट किस टाइप का ब्लड भेजता है लंग्स को हार्ट बेटा भेजता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना द टाइप ऑफ ब्लड हेयर इज गोइंग टू बी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा भेजा यार हार्ट से जो भी निकलेगा वो आर्टरी है द आर्टरी इज गोइंग टू बी पल्मोनरी आर्टरी ठीक है बेटा जी पल्मोनरी आर्टरी ये है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स टू हार्ट हार्ट टू लंग्स लंग्स टू हार्ट हार्ट टू लंग्स ठीक है हाँ जी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन ठीक है सो द नेक्स्ट टाइप इज गोइंग टू बी सिस्टेमिक सर्कुलेशन विच इज अ सर्कुलेशन बिटवीन टिश्यूज एंड हार्ट ये आपका हार्ट है ठीक है हार्ट से टिश्यूज की तरफ भी जा रहा है टिशूज भी हार्ट को भेज रहे हैं सो प्लेसिंग हेयर टिश्यूज एंड बैक टू टिश्यूज ठीक हाँ जी बैक टू टिश्यूज टिश्यूज हार्ट को कौन सा ब्लड भेजते हैं मिटर टिश्यूज के बीच में रेस्पिरेशन हो रही है रेस्पिरेशन से सीओ टू बनेगा सीओ टू बनेगा सो देअर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो दे आर गोइंग टू सेंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट वाया कैसे भेजेंगे वाया वेना केवाज ठीक है वेना केवा दे विल कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट देन हार्ट बेटा फिर से टिश्यूज को भेजेगा लेकिन हार्ट कैसा ब्लड भेजेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा वाया द लार्जेस्ट आर्ट्री विच इज कॉल्ड एज आयोटा ठीक है विच इज कॉल्ड एज आयोटा लंग्स एंड हार्ट वन इज बिटवीन हार्ट यहां से यार कुछ आइडिया नहीं लग रहा कुछ तो आइडिया लगा लो आइडिया लग रहा होगा कि ब्लड जो है वो हार्ट में दो बारी एंट्री लेता है ठीक है एक बार इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंट्री ली एक बार इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने भी एंट्री ली सो ब्लड इज एंटरिंग द हार्ट ट्वाइस During one cycle, that is why this type of circulation is called as double circulation. This type of circulation is called as double circulation because blood is entering the heart. टाइस ज्यूरिंग वन साइकिल इसे आप क्या बोलोगे डबल सर्कुलेशन अब जाकर हमारा डबल सर्कुलेशन पूरा हुआ है सो टूडे वी डिस्कस्ट अबाउट होल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट एंड येस पलमनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन बताइए हां जी इज दिस क्लियर क्या ये चीज क्लियर हुई अगर ये क्लियर है तभी कार्डिय साइकिल समझ आएगा अदरवाइज नहीं आ सकता है आ ही नहीं सकता बेटा कार्डिक साइकिल क्योंकि वो अभी हम करने वाले हैं एक ही पेज पे पूरा कार्डिक साइकिल करा दूंगी बेटा अगर ये आज समझ आया है सारा स्ट्रक्चर याद है तभी आगे वो करने का फायदा नहीं तो फायदा ही नहीं है आ गया मजा भी आ गया यस मजा भी आ गया हां जी तो कार्डिक साइकिल करा दो फटाफट से कार्डिय साइकल ओके गाइज लेट स्टार्ट कार्डियो बेटा कार्डियक साइकिल में हम यही बीटिंग के बारे में देखेंगे बीट यानी कि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ठीक है हाँ जी दिस इज हाउ द ब्लड फ्लोज देख रहे हो

हाँ जी राइट right साइड है लेफ्ट साइड है ब्लड आया चला गया ब्लड आया चला गया दिस इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली इस वीडियो से आपको क्या पता चला इस वीडियो से आपको ये पता चला दैट बोथ द एट्रिया वो इकट्ठे ब्लड नीचे भेजते हैं बोथ द वेंट्रिकल्स वो इकट्ठे ब्लड ऊपर आर्टरीज में भेजते हैं आर यू गेटिंग ऐसा नहीं होता कि पहले राइट right साइड में हो रहा है फिर टाइम लगा के लेफ्ट साइड का नंबर आएगा नो बोथ द एट्रिया दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्टेनियसली एंड बोथ देंड्रिकल्स दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्ट एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है एक बीट में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है उसी को आप क्या बोलते हो कार्डियक साइकिल बोलते हो ठीक है उसी को बेटा आप क्या बोलते हो कार्डियक साइकिल तो लेट आस बेटा जी स्टार्ट विथ कार्डियइकिल आ जाइए सब बचे आई एम राइटिंग ओवर गाइज थोड़ा सा मैथ कराऊंगी कार्डियक साइकिल सो so, कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ठीक है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज

हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट वन मिनट में हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट बताओ जरा देखो नॉर्मल पूछा है किसी को देखने पे तो थोड़ा सा ज़्यादा बीट कर सकता है तुम्हारा नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज में कितनी बारी तुम्हारा दिल धड़कता है वॉट इज योर हार्ट रेट हाँ जी बताइए यस yes? सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट ठीक है बिल्कुल सही सही आंसर दिया है सेवेंटी टू टाइम्स यानी कि सिक्सटी सेकेंड्स में सिक्सटी सेकेंड मतलब वन मिनट सेवेंटी टू टाइम्स आपका हार्ट बीट किया जितनी बारी हार्ट बीट किया यानी कि उतने कार्डियक साइकिल हो गए तो सिक्सटी सेकेंड्स में आपके कितने कार्डियक साइकिल हैं सेवेंटी टू कार्डियक साइकिल तो एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना समय लगेगा सो वन कार्डियक साइकिल विल टेक हाउ मेनी सेकेंड्स 72 टू कार्डिक साइकिल को होने में इट इज टेकिंग 60 सेकेंड्स वन कार्डिक साइकिल को होने में कितने सेकेंड लगेंगे यस कम ऑन गिव द राइट आंसर कितने सेकेंड यूनिटरी मेथड गाइस यूनिटरी मेथड वन कार्डिक साइकिल को होने में लगेंगे पॉइंट एट सेकेंड जब आप डिवाइड करोगे सिक्सटी को सेवेंटी टू से सो वन कार्डिक साइकिल विल टेक पॉइंट एट सेकेंड इसी पॉइंट एट सेकेंड के अंदर बेटा पूरा का पूरा हार्ट एक साइकिल कर जाता है पॉइंट एट इन्होंने ब्लड भेज भी दिया। very, very, very process, बड़ी तेजी से होता है कार्डिक साइकिल विजुअली भी दिखाऊंगी कार्डिय साइकिल तो कार्डिय साइकिल समझने के लिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है यस ओके सर्कल के साथ साथ आपके पेज के साइड पर एक हमेशा डब्बे वाला हार्ट होना ही चाहिए ठीक है ये आपका राइट एंट्रिया राइट्रिकल है लेफ्ट एट्रिया है लेफ्ट वेंट्रिकल समझने के लिए हाँ जी आ जाइए सब बच्चे अगले 10 मिनट तक बिल्कुल शांति बनाकर ये साइकिल सीखेंगे उसके बाद तुम बातें कर लेना क्योंकि इसका मैंने टेस्ट भी लेना है शाम को सात बजे डाउट्स जो हैं बचे हुए वो आपके मैं उस सेशन में लूंगी क्या आप अगले 10 मिनट बिल्कुल अटेंशन दे सकते हैं बताओ कैन यू बी हंड्रेड परसेंट अटेंटिव फॉर नेक्स्ट टेन मिनट टेन मिनट्स के बाद अब तो सही हो गया यार ब्लर से अब सही हो गया नाउ आई एम क्लियर नथिंग इज ब्लर ठीक हां जी जब भी आपका हार्ट बीट करेगा सबसे पहले नंबर आएगा अपर चेंबर्स का बोथ द अपर चेम्बर्स बोथ द एटरिया दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जब भी बेटा आपसे बात की जाए कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है सो so, कॉन्ट्रैक्ट जब आप बात करेंगे कॉन्ट्रेक्शन के लिए वी विल यूज द टर्म सिस्टोल ठीक है एंड फॉर रिलैक्सेशन वी विल यूज द टर्म डायास्टोल ठीक है बेटा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई करेगा तो सिस्टोल यानी कि अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो एट्रियल सिस्टोल है अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है एंड डायस्टोल यानी कि सबसे पहली चीज जब एट्रिया भर रहे हैं भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं तब एट्रिया बेटा कॉन्ट्रैक्ट भी तो करेगा तभी तो ब्लड नीचे जाएगा सो द फर्स्ट फेज फर्स्ट फेज इन कार्डिक साइकिल इज गोइंग टू बी ये आपका बेटा फर्स्ट फेज है इट इज गोइंग टू बी एट्रियल सिस्टोल हां पहला फेज बेटा क्या रहेगा आपका एट्रियोल एट्रियल इज दट फेज ड्यूरिंग विच बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली सो बोथ एट्रिया दे कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा साइमल simultaneously कहाँ गया Yes, both the atria बेटा they are going to contract simultaneously. L Y हाँ इमेजिन कर लेना बेटा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है साइमल्टेनियसली लिखा है सो so, पहला है आपका एट्रियल सिस्टोल जिसमें दोनों एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा वेंट्रिकल्स में जाएगा यानी इस समय क्या हो रही है वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है इस समय बेटा क्या हो रही है वेंट्रिकल्स भर रहे हैं लेकिन सारे वेंट्रिकल्स इस समय नहीं भरते हैं सिर्फ थर्टी परसेंट वेंट्रिकुलर पर होती है अगर वेंट्रिकल्स भर रहे हैं तो एवी वॉल्व को खुला रखें या बंद रखें सब बच्चे बताइए एवी वॉल्व को ओपन रखा जाए या क्लोज रखा जाए देखिए एवी वॉल्व एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बैठे थे अगर आप चाहते हो कि ब्लड शुड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ऑब्वियसली एवी वॉल्व दे आर गोइंग टू बी ओपन ठीक है एवी वॉल्व बेटा क्या होंगे इस समय ओपन होंगे ठीक है क्या होंगे एवी वॉल्व बेटा इस समय ओपन होंगे ठीक है यस सो दिस इज अबाउट एट्रियल सिस्टोल जब भी एट्रिया सिस्टोल करेगा ब्लड नीचे जाएगा लेकिन यार जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा है सिस्टोल करते हुए ब्लड वापस भी तो जा सकता है ऊपर सुपीरियर वेना केवा में है ना सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड बेटा ऊपर वापस चला गया सुपीरियर वेना केवा, वेनाकेवा वेना केवा, पल्मोनरी वेन में फिर फिर क्या करोगे तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इस समय बेटा इस समय द रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स ग्रेट वेन्स कौन सी हैं बेटा सुपीरियर वेना कहवा इनफीरियर वेना कहवा पल्मोनरी वेन ये क्या होती हैं क्लोज होती हैं सो द रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स दे आर एक्चुअली क्लोज एट दिस टाइम ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे है ना बेटा यस yes, ताकि ब्लड वापस ना जाए आगे चले अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया ब्लड किसके पास आ गया वेंट्रिकल्स के पास आ गया सो द नेक्स्ट फेज इज गोइंग टू बी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हाँ जी जिसको आप क्या बोल सकते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल यस कैन यू कॉल दिस एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेटा ये चीज अच्छे से समझ लेना ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझना पहले मैंने आपको बताया एट्रियल सिस्टोल अब मैं आपको बता रही हूँ वेंट्रिकल सिस्टोल लिखने पे भी ज़्यादा फोकस मत करो मैं सारी पीडीएफ आपके साथ शेयर करती हूँ कहाँ पर टेलीग्राम पर तो वो आपको मिल ही जाएगी जो बच जाता है वो वहाँ पर भी सी नोट कर सकते हो लेकिन अभी समझने पे ध्यान दीजिए जो वेंट्रिकल्स हैं बेटा जी जो वेंट्रिकल्स हैं वेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू ही करेंगे यार अभी एवी वी वॉल खुले थे तो ब्लड तो यार वापस चला जाएगा ये है एवी वॉल अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे ब्लड विल गो बैक टू एट्रिया तो सबसे पहला काम क्या करोगे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में ही सबसे पहला काम बेटा क्या करेंगे आप देयर इज गोइंग टू बी क्लोजर ऑफ एवी वॉल आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल को बेटा क्या कर दो क्लोज कर दो जब आप एट्रीओलर वॉल्व को क्लोज कर देंगे वॉल्व के क्लोज होने की आवाज आती है खुलने की कोई आवाज नहीं होती बेटा जब दरवाजा बंद होता है ना तब असली आवाज आती है ठीक है तब असली आवाज आती है सो so, वॉल के क्लोज होने की आवाज आएगी दैट साउंड इज कॉल्ड एज क्या बोलते हो साउंड को दिस इज इज द फर्स्ट हार्ट साउंड कॉल्ड एज ठीक है सो राइट एंड द स्टार्टिंग ऑफ राइट बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल यू विल हियर लब विच इज द फर्स्ट हार्ट साउंड पहला काम ये होगा लब ठीक है देन एवी वॉल्व क्लोज कर दिया अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराना शुरू कर दो देखिए जब एवी वॉल्व क्लोज है सेमिल्यूनर वॉल्व भी क्लोज है कुछ समय तक जब बेटा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वेंट्रिकल्स आर पुटिंग प्रेशर लेकिन अभी एवी भी बंद है ब्लड ऊपर भी नहीं जा सकता सेमिल्यूनर भी बंद है ब्लड एट्रिया में भी नहीं जा सकता तो कुछ समय के लिए बेटा वेंट्रिकल्स ना दे एक्ट एज अ क्लोज चेंबर समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो ये ऊपर एवी वॉल्व बंद है यहां से जो सेमिल्यूनर वॉल क्रॉस करके जाना है वो भी बंद है लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको जगह नहीं मिल रही ब्लड को कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही सो देर इज अ वेरी स्मॉल टेम्पररी फेज ड्यूरिंग दिस कॉल्ड एज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इस फेज में क्या होता है वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स दे एक्ट एज क्लोज चेंबर्स वेंट्रिकल्स एक्ट एज क्लोज चेंबर्स कि यार ना ब्लड ऊपर जा पा रहा है एट्रिया में ना ही ब्लड आर्टरीज में जा पा रहा है क्योंकि कोई भी वॉल्व ओपन नहीं है कुछ समय के लिए बिल्कुल कुछ समय के लिए फिर बेटा प्रेशर इतना बढ़ जाएगा इतना बढ़ जाएगा कि अल्टीमेटली सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो जाएगा दे विल गिव अप एंड दे विल ओपन सेमील्यूनर वॉल्व क्या कर जाएंगे बेटा ओपन कर जाएंगे और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त ब्लड जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में इतना समझ आया इतना समझ आया यस बताइए फटाफट से बता दो यार क्योंकि एक ही फेज बचा है लास्ट फेज इज पेंडिंग फिर अपना खत्म हो जाएगा हाँ जी सेमिलर वॉल्व दे विल एक्चुअली ओपन लास्ट फेज हां जी ओके okay, आ जाते हैं लास्ट फेज इज कॉल्ड एज जी, लास्ट फेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायास्टोल इस फेज का बेटा क्या नाम है दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायास्टोल ठीक है ज्वाइंट यानी कि चारों चेंबर्स इकट्ठे डायास्टोल यानी कि रिलैक्सेशन अभी पीछे कर रहे थे जब वेंट्रिकल स्टोल कर रहे हैं तो ब्लड एट्रियाम आर्ट्रीज में जा रहा था लेकिन जैसे बेटा वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा प्रेशर कम होगा ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में से ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा क्योंकि पहले बेटा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड थे तो ब्लड जा रहा था कॉन्ट्रैक्शन में फोर्स होती है ठीक है प्रेशर होता है जब ये रिलैक्स करेंगे तो ब्लड वापस आएगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे सबसे पहला काम करोगे कि सेम्यूलर वॉल को क्लोज कर दो सो द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज द क्लोजर इट इज द क्लोजर ऑफ सेम्यूलर वॉल्व क्लोजर ऑफ सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व मैंने बोला है वॉल्व के खुलने की आवाज़ आए ना आए बंद होने की आवाज़ जरूर आती है एंड दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड एज डप सो द क्लोजर ऑफ सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व विल प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड यहीं पर बिल्कुल जॉइंट डायस्टोल की स्टार्टिंग पे क्या हो जाएगा यू विल हियर सेकेंड हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड एज डप तो दो हार्ट साउंड होगी लव एंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व डप इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी ठीक है अब जब सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं एट्रिया बेटा ऐसे करके रिलैक्स कर रहा है ओपन है वेंट्रिकल भी क्या कर रहा है रिलैक्स कर रहे हैं जब ये सारे चेंबर्स रिलैक्स कर रहे हैं इस समय बेसिकली एट्रिया के अंदर ब्लड भरता जा रहा है एवी वॉल्व तो खुले है वेंट्रिकल्स भी क्या होते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं सो एट दिस टाइम ऑल्सो देयर इज वेंट्रिकुलर फिलिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग वेंट्रिकल्स भरते जा रहे हैं क्योंकि चारों चेंबर्स रिलैक्स कर रहे हैं और एवी वॉल्व ओपन है ठीक है तो जब वेंट्रिकल्स भर रहे हैं कितना परसेंट भरना बच गया था थर्टी परसेंट तो इन्होंने ही भर दिया था 70% जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो कब हो जाती है ड्यूरिंग डायस्टोल होती है वेंट्रिकल मोस्टली ब्लड तभी आ जाता है वेंट्रिकल में बचा हुआ ब्लड कैसे आएगा जब उसका एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होगा देन बचा हुआ ब्लड आ जाएगा अब मुझे सोच के बताइए एट्रियल सिस्टोल वाली वेंट्रिकुलर फिलिंग फास्ट होगी या फिर जॉइंट डायास्ट्रोल वाली वेंट्रिकुलर फिलिंग फास्ट होगी कौन सी वाली फास्ट होगी तो ये बेटा बताइए कौन सी वाली फिलिंग फास्ट है फटाफट पट बताओ यार यस yes. कौन सी वाली फिलिंग फास्ट है जब एट्रिया सिस्टोल करेगा तब फटाफट पट वेंट्रिकल भरेगा या फिर जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है तब फास्टली भरेगा डोंट लुक एट द परसेंटेज आई एम आस्किंग विच वन इज गोइंग टू बी द फास्ट वन यस

वेंट्रिकुलर फिलिंग हाँ जी जो तो वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है एट्रियल सिस्टोल में जो थर्टी परसेंट हो रही है ठीक है एट्रियल सिस्टोल में जो वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है ये फिलिंग क्या है है आपकी फास्ट है और जो फिलिंग हो रही है जॉइंट डायस्टोल में जॉइंट डायस्टोल में इनिशियली तो बेटा फास्ट होगी है ना क्योंकि अभी जस्ट रिलैक्स करना शुरू ही किया ऊपर बहुत ब्लड है इनिशियली फास्ट होगी बट लेटर ऑन स्लो हो जाएगी लेटर ऑन स्लो हो जाएगी ठीक है हां जी ये जो लास्ट में जो स्लो वाली फिलिंग हो रही है ना लास्ट में लास्ट वन थर्ड फिलिंग जो स्लो हो रही है दैट इज कॉल्ड एज इस स्लो फिलिंग को आप क्या बोलते हो डायासिस ठीक है इस स्लो फिलिंग को बेटा आप क्या बोलते हो डायास्टास विद दिस टोटल समय कितना लगना था आपको? Seconds. आप इस पाई चार्ट को देखकर टाइम डिवाइड कर सकते हो पॉइंट एट सेकेंड टोटल लग रहे हैं तो एल्थ सिस्ट्रोल को कितना लग रहा होगा पॉइंट वन सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल को होने में कितना समय लग रहा होगा पॉइंट थ्री सेकेंड एंड बेटा एट्रियल जॉइंट डायस्टोल को होने में आधा समय लग रहा होगा दैट इज सेकेंड्स सो ये है आपका कार्डियक साइकिल पहले बोथ द एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड विल फ्लो टू वेंट्रिकल्स देन बोथ द वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड विल फ्लो टू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा देन ऑल द चेंबर्स दे विल रिलैक्स अभी ये समझने के बाद एक मेरी रिक्वेस्ट है हो सकता है जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं मेरे से लाइफ में पहली बार ही पढ़ रहे तो हो तो इट कुड बी लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा हो तो वो शाम वाली सात बजे वाली क्लास में आ सकते हैं और जिनको नाइन्टी परसेंट समझ आ गया दैट मीन्स आ गया वो बच्चे शाम की क्लास अटेंड करने से पहले सेवन सेवन पी वाली स्पेशल क्लास से पहले जरूर इसको एन से पढ़ के आइए छोटा सा टॉपिक वहाँ दिया हुआ है अगर आपने यहाँ पर नाइन्टी भी समझ लिया तो आपको एन सी समझ आएगी ठीक है 110% परसेंट समझ आएगी कल की क्लास में मैं इसी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी कल की क्लास में मैं इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगी ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू जस्ट बताया है कार्डियक साइकिल का अभी इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में सो टमोरोज यूट्यूब क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज दोबारा जाकर इसको देखना नोट्स मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर उन नोट्स को देख लेना एक बारी बेटा इसको खुद से ड्रॉ करके कर देखना इमेजिन करके देखो और जब भी ये कार्ड एक साइकिल पढ़ो ये डब्बे वाला हार्ट जरूर बना लो साथ में साइमल्टेनियसली आपके माइंड में पता रहेगा कि वेयर इज राइट वेयर इज लेफ्ट कौन एंट्री कौन मेट्रिकल नहीं तो ना इतनी इमेजिनेशन हो नहीं पाती है ठीक है इतनी इमेजिनेशन हो नहीं पाती है ठीक तो यहाँ पर बेटा बात होगी आपकी कार्डिक साइकिल की कल मैं आपको इस सारी चीज़ें दिखाऊंगी दीज आर द फेजेस ऑफ द कार्डिक साइकिल जिसका मैंने यू नो इमेजेस भी लिए हुए थे तो दिस आई विल शो यू टुमारो ठीक अभी हम मिलेंगे अगली क्लास के लिए 5:30 थर्टी पी एम पर ट्वेल्थ की क्लास है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ वाली क्लास में जो कि हो रही है फाइव थर्टी पर मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट इज गे मीटोजेनेस पर मीटोजेनेसिस ऊ जेनेस एंड फॉलिकुलर जेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल में कराऊंगी प्लीज़ वो क्लास लगाना कि कौन एप्लॉयड है किसमें में ट्वेंटी थ्री रोमोजो में किस फोर्टी सिक्स है उसमें डाउट रहता है प्राइमरी फॉलिकल कौन है सेकेंडरी फॉलिकल कौन है कब म्योसिस खत्म हुई कब चालू हुई सब कुछ फाइव थर्टी पी एम पर दैट विल बी ऑन यूट्यूब इसी चैनल पर एंड सेवन पी एम वाली क्लास मैंने पिन करा दी है दैट इज अ क्लास ऑन ऐप विच इज अ स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है बेटा प्रैक्टिस करनी है इन्हीं दो पोर्शन की तो क्लास में जाओ कोड लगा देना लाइव एनरोल कर लो फ्री क्लास है बहुत सारे बच्चे वहां डेली क्लासेस देते हैं दूसरी चीज़ बेटा स्पेशल प्राइस वीक हैज अगेन स्टार्टेड फॉर प्रोबेबली द लास्ट टाइम आखिरी बार बेटा आपको चांस मिल रहा है टेन प्लस टेन ऑफर लेने का टेन परसेंट तो वैसे ही ऑफ होता है कैसे ऑफ होता है बेटा सीप्लाई कोड यूज करके अगर आप चाहते हो कि यार ट्वेंटी परसेंट हो जाए तो टेन प्लस टेन पॉसिबल है सिर्फ इसी इन्हीं दिनों में कब से कब तक है

पुराने प्राइसेस ये थे नए प्राइसेस मैंने आपको बता दिए और कितना अमाउंट आप सेव कर रहे हो ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड वन सब्सक्रिप्शन ह्यूज मनी है बेटा आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करके कमाते हैं तो अगर आप लेना चाहते हो तो यही टाइम है दस से सत्रह अब ये एक्सटेंड नहीं होगा और आपने देखा ही है कि हमारे अन अकेडमी के रिजल्ट कितने बढ़िया आए हैं ऑल इंडिया रैंक नाइनटी ऑल इंडिया रैंक टू ऑल इंडिया रैंक थ्री ऑल इंडिया रैंक फिफ्टी ये सब अन अकेडमी के द्वारा है क्लास बेटा अगर बीच में 10 से 17 के बीच में अभी भी तुमसे डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यार ड्रॉप करेंगे ना करें देन अपियर इन दिस टेस्ट अनअकैडमी रिवाइव 14th को होगा 14th को बेटा तुम्हें टेस्ट दो आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी अगर तो ऑल इंडिया रैंक बहुत बढ़िया आ रही है ठीक है देन इट इज बेस्ट कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस में काम करें नहीं भी अच्छी आ रही तो भी बेटा आपको एक गाइडेंस की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी ठीक है ये देखो यार अपने आप ही स्कैन होता रहता है ओके जस्ट लेट मी चेक दिस हाँ जी तो रिवाइव का लिंक दिया हुआ है ये सब बच्चे देंगे मेरे बच्चों के लिए तो कंपल्सरी है फ्री टेस्ट है बेटा यूज दिस कोड टू एनरोल और इसमें 100 परसेंट आपको स्कॉलरशिप रहेगी अगर आप 1 टू 100 रैंक के बीच में आते हैं 50 परसेंट फॉर 12 टू हंड्रेड वन टू 200 एंड देन 15 परसेंट कोड आपको पता है इसमें आपको बेटा आई मिलने के भी चांसेस हैं बट उससे बड़ी चीज जो आपको मिलने वाली आईपैड वगैरह तो तुम खुद भी खरीद लोगे बड़े हो जाओगे डॉक्टर बन जाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट मेंटोरशिप टॉप हंड्रेड स्टूडेंट्स दे विल गेट मेंटोरशिप फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी ठीक है तो बैच, टीम बैच, सुपर बैच, बैच, सब बैचेस लॉन्च हो रहे हैं थर्टीप्टर से थर्टीन uh, से मेरा भी बैच आ रहा है तो ये यू कैन एनरोल और एनरोल बेटा या तो रिवाइव के थ्रू कर लो या कॉम्बैट के थ्रू कर लो कॉम्बैट भी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हर संडे होता है फोर्टी फाइव मिनट्स का टेस्ट होता है ट्वेंटी एट क्वेश्चन आ रहे हैं क्या चला जाएगा यार देने में सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना तो भी जरूर दीजिए इस टेस्ट को ताकि आप एक मॉक टेस्ट में बैठ पाए टाइम बाउंड तरीके में देख पाए माहौल देख पाए ऑल इंडिया रैंक जान पाए ठीक है फिर मन करे तो सब्सक्रिप्शन लेना अदरवाइज इस टेस्ट को एज अ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए ठीक है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इट्स अ फ्री टेस्ट बेटा कोड लगा देना सीप लाइफ ठीक है बहुत आसान है मेरा कोड है नाम है मेरा उसके आगे लाइव लगा देना में एंड देन बेटा मैंने आपको बता दिया दैट दिस इज द स्पेशल प्राइस वीक इज गोइंग ऑन सो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन आइदर प्लस और आइकॉनिक जिसमें लाइव क्लासेज मिलती हैं रेगुलर कोर्स होता है डी होती है आइकॉनिक लेते हो तो बेटा वन टू वन मेंटोरशिप मिलती है आपको सारे पी का हार्ड कॉपी भी मिलता है कंप्लीट अन के नोट्स मिलते हैं सो so, मेरे ख्याल से इफ़ यू आर प्लानिंग दैट दिस इज द बेस्ट टाइम एंड 20 परसेंट वाला ऑफ पाने के लिए 10 परसेंट टेन के लिए यूज दिस कोड एंड यस यू विल बिकम पार्ट ऑफ आवर सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म सिंपली ये ऐप पे जाना है ड्यूरेशन चूज करना है एंड आप सब बैचेस को देख पाएंगे क्योंकि एक बारी अगर आप प्लस का हिस्सा बन जाते हैं आइकॉनिक का हिस्सा बन जाते हैं आप सारे टीचर्स से सारे बैचेस पढ़ सकते हैं ठीक है सो इट इज ऑल और नन नहीं लिया तो कुछ नहीं दिखेगा ले लिया तो सब दिखेगा ऑल ऑलर नान फिनिना होता है ना मसल में होता है नर्व में होता है वैसे ही यहाँ पर भी ऑल ऑलर नान फिनमिना है बाकी बेटा मैं आपके साथ पी शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पर अब हमने मिलेंगे फाइव पर ऑन यूट्यूब वंस अगेन फॉर केमिटोजेनेसिस एंड सेवन पी पर ऑन स्पेशल क्लास ठीक है जिसका लिंक मैंने पिन करा दिया है मिलते हैं बेटा तब तक एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय